الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बात तुम जाकर आराम कर लो। हाँ सर के वक्त बयान करना सर बात को लगाओ तुम्हें भेज दो। अम्मा बाद फाउद बिल्लाह मिन अश्शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल मुमिनून वल मुमिनात बादहुम औलिया बाद يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری بہویں بچیاں हमारे मोहतरम भाई, औरतों का अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। इसलिए औरतें ये ना समझें कि हम तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, ये बात नहीं है। बहुत काम किए हैं औरतों ने और उन औरतों की बरकत से बहुत खैरें दुनिया में वजूद में आई हैं। किसी जमाने में औरत का कोई मकाम होता नहीं था। एक दौर गुजरा है जमाने जाहिलियत का कि जिसमें लड़की का कोई मकाम होता नहीं था। लड़की को मीरास भी नहीं मिलती थी, बीवी को भी मीरास नहीं मिलती थी, माँ को भी मीरास नहीं मिलती थी। बल्कि लड़की अगर पैदा होती तो उसे फौरन जो है जिंदा दरगोर कर देते। यह दौर गुजरा है जमाने जाहिलियत में, और ऐसा खतरनाक दौर गुजरा है कि कैस इब्न आसिम एक चौधरी थे, वो कहा करते थे और दूसरे भी थे कि मैंने आठ आठ लड़कियों को जिंदा कब्र में दाखिल किया है। सासा करके एक आदमी थे जो फरसदक के दादा थे, फरसदक शायर के दादा थे, वो कहते थे किसी जगह पर भी हमल वाली औरत होती मैं बाहर जाकर बैठ जाता पैसे लेकर, अगर लड़की पैदा होती तो मैं उसी वक्त खरीद लेता था। तो ये कहते थे 94 लड़कियों को मैंने बचाया है। ये दौर था, लेकिन इस्लाम ने आप लोगों का मकाम बहुत ऊंचा बनाया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया आप लोगों को कि दीनदार औरतें दीनदार मर्द एक साथ बयान किया कुरान में। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مسلمان مرد مسلمان عورتیں ساتھ کر دیا, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, इसी तरीके से पूरी लिस्ट अल्लाह ने उतारी कुरान के अंदर कि औरतों का बहुत ऊंचा मकाम, ये जहन में रखना। लेकिन कौन सी औरत जो सालिहा हो, दीनदार हो। मेरी दादी रहमतुल्लाह अलैहि थी,
ये मेरे वालिद साहब की तरबियत बचपन से करती थी। माएँ बहनें जो है अपने बच्चों की तरबियत बचपन से करें तो बच्चा बच्चा बनता है, दीनदार बनता है। लेकिन अगर बचपन से तरबियत नहीं की तो यही बच्चा जो है ये गुनहगार बनता है और यही बच्चा माँ बाप की खिदमत गुजार नहीं बनता। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी दादी ने यानी उनकी वालदा ने ये तरबियत की कि मैं बचपन में खेल का मुझे बहुत शौक था। एक बात ध्यान में रखना, जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते हैं वो बड़े होकर बहुत होशियार बनते हैं। इसलिए ज़्यादा मारना ज़्यादा डांटना ये नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत से शफ़क़त से समझाना चाहिए। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे खेल का बहुत शौक, मेरी माँ जो है वो अंधी थी, नाबीना थी, वो मुझे बुलाती कि उमर आजा मुझे कुरान सुना, तो मैं जाकर वल असर सुना देता, कभी जो है सूरह इख़लास सुना देता, कभी सूरह कौसर सुना देता, फिर भाग जाता। तो मेरी वालदा यानी मेरी दादी बाहर आती और बाहर आकर कहती कि उमर उमर आ आ मुझे कुरान सुनना है, यहाँ कुरान सुनना है, कुरान सुना कुरान सुना। चुनांचे मैं अंदर जाता तो मेरी दादी जो है यानी मेरी दादी उनका हाथ पकड़ लेती मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, और हाथ पकड़ के कहती कि बैठ, मुझे खाली सूरह इख़लास सुना के भाग जाता है तू, सूरह कौसर सुना के भाग जाता है, सूरह वलसर सुना के भाग जाता है, नहीं मुझे तू सूरह बकरा सुना। ये दादी कहती सूरह बकरा ढाई बारी की है, सूरह बकरा सुना, जब तक मैं पूरी सूरह बकरा न सुना दूँ तब तक जो है मेरी दादी उनका हाथ नहीं छोड़ती थी। फिर आखिर में जुमला कहती कि बेटा उमर आज अंधेरी कोठरी में तेरी अंधी माँ तेरा कुरान सुनती है, इंशाअल्लाह एक ज़माना आएगा कि लाखों आदमी तेरा कुरान सुनेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने वो दौर भी दिखाया कि बड़े 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 मजमू के अंदर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात होते थे और सब जगह लोग जो है उनका कुरान सुनते थे। और दादा अब्बा मेरे वालिद साहब खुद कहते थे जब मैं पैदा हो रहा था छोटे छोटे मकानात थे उस वक्त में, मकानात की वसत नहीं थी, तो अल्लाह का निज़ाम चलता है, अल्लाह ताला सबको चलाता है। तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि छोटे कोठड़ी में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी दादी उस वक्त में दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे पता नहीं है ये लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हो रही है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी मेरा बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसको ये तेरा कुरान है, जुजदान में कुरान रखा हुआ था सामने घरों में जैसे रहता है, तेरा कुरान है उसको तेरे कुरान से जोड़ देना। चला चाहे ऐसा ही हुआ, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सारी दुनिया में कुरान फैलाते रहे और आज अल्लाह ताला ने उनकी जगह हमसे भी कुरान का तर्जुमा करवा लिया रियाजुल कुरान के नाम से। तो ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से चलती हैं। और एक नसीहत करता हूँ आपको कि जब भी दर्द ज़े हो उस वक्त में दुआ कबूल होती है। इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीखना चिल्लाना नहीं, आप मांगो अल्लाह से, वो टाइम दुआ की कबूलियत का होता है। मिन जानिबिल्ला, ये मेरी नसीहत याद रखना, अपनी बच्चियों को भी सुनाना इसे कि तकलीफ होती है औरत को, उस वक्त में दुआ करे अल्लाह ताला से, अपने लिए दुआ करे, होने वाले बच्चे के लिए दुआ करे, और ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी बात ये मैं कहता हूँ कि यहाँ रायचूर में आया हूँ तो आप सबको मैं एक हदिया देना चाहता हूँ। ये मेरा हदिया, उसका नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार, ये चार नाम है इसके। या रायचूर की बेटियाँ, रायचूर की माएँ, रायचूर की बहनें, या कुर्ब जवार की बस्तियों से जो आए हों, हमें पता नहीं है कुर्ब जवार में कहाँ कहाँ से अब बहनें आई हैं, लेकिन ये मेरा हदिया ज़रूर लेते जाएं। ये मेरा हदिया 2022 का है और बहुत अहम है, जिसको भी मैंने दिया और जिसने भी अमल किया अल्लाह ताला ने उसकी सारी दुआएं कबूल की और अल्लाह ताला ने उसकी सारी हाजतें पूरी की। इसलिए मेरा हदिये का नाम जहन में रखना, जानदार शानदार मालदार दीनदार, ये हदिये का मेरा नाम है।
और इसी नाम की मेरी तस्वीर भी है जो मैं अपने पास रखता हूँ। उस तस्वीर का नाम भी है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब यह हदिया तो सबको दे सकते हैं हम, लेकिन तस्वीर तो सबको हदिया नहीं दे सकते। हमने ये सुना कि दो हमारी बहनें हैं, सायरा और ताहिरा, इन दोनों ने इस मदरसे की इब्तिदा की है और शुरू से मेहनत की है। तो हमारे मोहतरम है, क्या नाम आपका? आपका नाम? मेरा इमरान खान। इमरान खान भाई, इमरान खान हमारे यहाँ मेजबान हैं। उनको मैंने दो तस्वीर है, एक सायरा आपा के लिए, एक ताहिर आपा के लिए मैंने दे दी है। वो इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। वो तस्वीर का नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। अब हदिया किया है वो सुन लो आप। रोजाना 24 घंटे में 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। बस कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 313 मरतबा, 313 मरतबा मैं इसलिए पढ़वाता हूँ कि बदरीन की तादाद 313 थी और 313 की आदत में अल्लाह ताला ने करंट रखा है, यानी कुछ है उसके अंदर कि जो अल्लाह ताला ने बदरीन की तादाद वो रखी। कोई 314 मरतबा पढ़ ले कोई हरज नहीं, कोई 320 मरतबा पढ़ ले कोई हरज नहीं, कोई 1000 मरतबा पढ़ ले कोई हरज नहीं। मैं जहाँ भी तश्कील की तो कोई डॉक्टर नहीं है मुझे ऐसी मिली कि उन्होंने 10-10 लाख मरतबा पढ़ लिया। अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में ये भी होता है, लेकिन कम से कम 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो उसके बाद इंशाअल्लाह तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि 313 मरतबा हम रोजाना इंशाअल्लाह सूरह इखलास पढ़ेंगे तो रोजाना जन्नत में हमारे लिए 31 महल तैयार हो जाएंगे। ये सही हदीस है। तो मैं कहता हूँ रायचूर वालों और रायचूर वालियों, रायचूर में तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली, अब अपनी प्रॉपर्टी जन्नत में ही बनाओ। अपनी प्रॉपर्टी जन्नत में भी बनाइए। 313 मरतबा पढ़ोगी 31 महल जन्नत में तैयार हो जाएंगे लॉक एंड की। क्या मतलब बिल्कुल तैयार? या दुनिया के बिल्डर तो पैसा लेते हैं भाग जाते हैं, या किस्से होते हैं कि बिल्डर को पैसा दिया, बिल्डर पैसा लेके भाग गया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वहां ऐसा नहीं होगा। हदीस शरीफ में आता है हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर, जन्नत में एक महल तैयार होगा। हजरत उमर ने ताज्जुब से पूछा कि हजरत 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूंगा और जन्नत में मेरे लिए महल तैयार होगा, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। आपने फरमाया हाँ, तो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में तेरा महल तैयार। हजरत उमर ने फिर कहा हजरत अगर इतना सस्ता है मैं तो बहुत महल बनाऊंगा, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तेरी तुझमें जितनी ताकत है उतना तू महल बना, तेरी ताकत होनी चाहिए। रोजाना 1000 महल बना, 500 महल बना, 31 महल बना, और जितने तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए। अब तू महल बनाते बनाते थक जाएगा, लेकिन अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसलिए मैं ये तश्कील करता हूँ कि अपना ईमान मजबूत करने के लिए और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने के लिए आदमी जन्नत में प्रॉपर्टी बना के तैयार रखे। खुदा ना खास्ता हशर का मैदान में कुछ गुनाहों की वजह से अगर इधर उधर जाना पड़ा, फरिश्ते अगर जहन्नम की तरफ खुदा ना खास्ता लेकर चले, तो जो है किताबों में यानी ये कि भाई आदमी फौरन अल्लाह ताला से कह सकता है ए अल्लाह पाक, मेरी प्रॉपर्टी तो जन्नत में है, तू मुझे यहाँ क्या भेज रहा है? तो अल्लाह तो मेरे हम आएगा कह रहे हाँ इसके तो बंगले जन्नत में। इसलिए ये मेरी तरफ से हदिया है। और इस पर मैं आपको एक किस्सा भी सुनाता हूँ। बम्बई में रमज़ान में मेरे प्रोग्राम होते थे नवाब मस्जिद में, वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है, अब बंद हो गए,
अब हम रमजान मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं, पहले जवानी थी तो 17 साल तक मैंने वहाँ बयान किया रमजान के महीने में, ईशा की नमाज के बाद 2 बयान करता था। जवानी थी, भाग दौड़ कर सकते थे। अब बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, तो बुढ़ापे की वजह से अब रमजान हमारा रजब से मक्का मदीना चला जाता हूँ, रजब से तो रजब शाबान रमजान हज करके फिर आता हूँ। ये तरतीब बनाई हमने हमारी जिंदगी की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाकी जो दिन होते हैं ये मुहर्रम के सब, फिर यहाँ सफर कर लेता हूँ कहीं ना कहीं, फिर चला जाता हूँ। तो एक लड़की आई मेरे पास, ये मैं बात कर रहा हूँ नवा मस्जिद की, संत मुझे याद नहीं है, बयान करके निकला तो एक लड़के ने कहा कि अब्बू जी पर्दे में थी, ये कहा अब्बू जी एक बात करनी है मुझे। मैंने कहा करो बेटा, क्या बात करती हो? उसने कहा कि अब्बू जी मेरी 28 साल की उम्र हो गई और मेरा रिश्ता आता नहीं है, बहुत परेशान हूँ, और घर वाले परेशान हैं, भाई बहने परेशान हैं, सब भाइयों की शादियाँ हो गई, सब बहनों की शादियाँ हो गई, लेकिन मेरा रिश्ता ही नहीं आता, आता है तो देख के चले जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा मैं तुझे एक अमल बताऊँ तो करेगी? उसने कहा करूँगी। उस वक्त में मैं 100 मरतबा पढ़वाता था, अब हर चीज़ का भाव बढ़ा तो हमारा भी भाव बढ़ा, फिर जमीन के भाव बढ़ गए, क्योंकि फलेटू के भाव बढ़ गए, यह है कि टिकटू के भाव बढ़ गए, तो हमने भी हमारा रेट बढ़ा दिया। 100 से हम 313 पे ले आए उम्मत को, और लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि मौलवी साहब रेट बढ़ाया, लोग खरीदते हैं, तो मैं भी कहता हूँ मैंने भी मेरा रेट बढ़ाया, लेकिन लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको कहा कि तू 100 मरतबा सूरह इखलास रोजाना पढ़ने की आदत डाल दे, और अल्लाह ताला से अपना रिस्क मांग, अल्लाह से फजल मांग, और कह के अल्लाह मुझे अच्छा रिश्ता दे, बस ये मैंने उसको नसीहत की। उसने फिर मुझे पूछा कि मौलवी साहब हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ूं या एक मरतबा पढ़ूं? मैंने उससे कहा कि बेटा जब तू खाना खाती है तो हर लुकमे में बिस्मिल्लाह पढ़ती है या एक ही मरतबा पढ़ती है? मैंने कहा पहले एक मरतबा पढ़ती हूँ। मैंने कहा हर लुकमे पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेगी तो खाएगी क्या? ये हर लुकमे पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ो तो क्या खाओगे? हर मरतबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। 1 साथ 313 मरतबा तो पढ़ना नहीं है, सुबह 10 मरतबा पढ़ लिया, दोपहर को 10 मरतबा पढ़ लिया, रोटी बनाते बनाते 20 मरतबा पढ़ लिया, चाय पकाते पकाते 25 मरतबा पढ़ लिया, इस तरह से पढ़ते जाओ, जब शुरू करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लो। मैंने उसके बताया उस लड़की को, वो चली गई, मेरे हाथ में तस्बीह थी, जानदार शानदार मालदार दीनदार, मैं रखता ही हूँ मेरे पास ये तस्बीह, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा बेटा यहाँ आई। मैंने कहा चल जानदार शानदार मालदार दीनदार वजीफा तो दे दिया, ये जानदार शानदार मालदार दीनदार मेरी तस्बीह भी ले ले, ये तस्बीह रख इस पर पढ़ती रहना। चली गई। 1 साल के बाद फिर मैं गया वहां, बयान करके निकला, वही लड़की एक बच्चा गोद में लिए हुए और तस्वीर ऐसी दिखा रही थी, मुझे भीड़ भाड़ थी, मैं अपनी कार में बैठ रहा था, भीड़ भाड़ थी तो वो तस्वीर दिखा रही थी, मैं समझ गया कि ये मेरी तस्वीर है। और मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जानदार शानदार मालदार दीनदार वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा शोहर दिया और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी औलाद दी और हजरत बहुत अल्लाह ने माल भी दिया। इतना जोर से कहा बहुत माल दिया। मैंने कहा देख बेटा ये अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह का माल है, इसलिए तो इसको स्टॉप मत करना, स्टॉप करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, ऊपर से आना बंद, स्टॉप मत करना, ये तू जो है खर्च करती रहना मदरसे में, लड़कियों के मदरसे में, यतीम ऊपर, बेवाओं पर, जहाँ मस्जिद बनती हो वहां पर तू लगाती रहना, तो ये चीज आती रहेगी आसमानों से, और तू चलती रहना, अल्लाह ताला तेरे बेटे को तेरे दीनदार बनाए, तेरी आंखों का ठंडक बनाए। बोले कहा मुझे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा करो बेटा। ये मैं कार में बैठा हुआ हूँ और बात कर रही पर्दे के साथ। ये कहा मेरे महल में हमारी बिल्डिंग में कई लड़कियां थी जिनकी शादियां नहीं होती थी, तो मुझे कहती थी कि अरे हलीमा, उस लड़के का नाम हलीमा था, अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट है नहीं, तेरी शादी कैसे हो गई? हम तो स्मार्ट है, हमारी शादियां नहीं होती।
तो मैं कहती जानदार शानदार मालदार दीनदार, इतना जुमला कहती जानदार शानदार मालदार दीनदार। तो क्या मतलब, मैं बैठ यहां बिठाती ये तस्बीह आपकी देती उसको और कहती कि तू जो है ये वजह पढ़ना शुरू किया। अब मुझे सबकी शादियां होगी, कोई अभी हमल से है, उम्मीद से है, किसी का जो है बस परसों होने वाली है किसी का, तो ये अल्लाह की तरफ से ये गोया कि हदिया है। सूरह इखलास से अल्लाह को बहुत मोहब्बत है। एक सहाबी थे वो हर वक्त ये पढ़ते रहते थे, तो किसी ने पूछा बेटे इतना क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मोहब्बत है इस सूरत से, क्योंकि इसमें अल्लाह की बड़ाई है, इसमें हमारे अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की हर चीज उसमें मौजूद है, मुझे बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया उससे कहो कि तुम्हें अगर अल्लाह से मोहब्बत है और सूरह इखलास से मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। कितनी बड़ी चीज है। इसलिए ये मेरा हदिया संभाल के रखना, रायचूर वाली बेटियां, रायचूर वाली माएं और ये जानदार शानदार मालदार दीनदार, इसका नाम है। तस्वीर तो मेरे पास है, मैं सबको दे नहीं सकता, मैं तो कुछ तस्वीरें लेके चलता हूँ जो खास खास मुझे लोग दिखाई देते हैं, उनको एक एक हदिया देता जाता हूँ और सफर पूरा करता जाता हूँ। एक डॉक्टरनी थी हमारे यहाँ अहमदाबाद की, गुजरात की, शिकागो में, अभी भी जिंदा है वो, शिकागो में, अमरीका में। उसने बयान सुना, बम्बई में रहते थे ये लोग, बयान सुना नूर अस्पताल बम्बई में है, ये उसकी बड़ी थी जी। अब वो जो है अमरीका चली गई। कुछ दिनों के बाद मुझे फोन आया कि मौलाना मैंने आपके लिए हदिया भेजा है। मैंने कहा भी मुझे तो हदिया मिला नहीं है, वरना मैंने 5 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और 5 लाख मरतबा पढ़कर मैंने सबसे पहले आपको हदिया कर दिया। बताओ, ऐसी डॉक्टरनियां भी हैं। अल्लाह करे कि रायचूर में इससे बड़ी डॉक्टरनियां हो कि जो इससे बड़ा काम करे। मैंने कहा बहुत खुशी हूं। फिर कहा अब मैंने 5 लाख मरतबा पढ़ना और शुरू किया है और मैं ऑपरेशन करते करते पढ़ती रहती हूँ, मैं जो है कार चलाते चलाते पढ़ती रहती हूँ और मैं जो है दवाएं देते देते पढ़ती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने दर्जे पर पहुंचाया है कि जिसका भी इलाज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ताला फायदा पहुंचा देता है। बड़े बड़े उमरा ये सऊदी अरब के, हमारा कतर के अमीर लोग, बादशाह लोग, इन सब के इलाज हमारे यहाँ होते हैं और हमें डर लगता है, बड़े बड़े लोग हैं इनके इलाज में आगे पीछे कोई ना हो। मैं अल्लाह से इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह सूरह इखलास की बरकत से मैं इसका इलाज कर रही हूँ तो इसको शिफा दे दो। लेकिन एक सवाल करना है मौलाना, वो डॉक्टर ने एक सवाल किया, उन्होंने एक सवाल करना है मौलाना, बहुत महल तैयार हो गए, 10 लाख मरतबा पढ़ा तो हिसाब लगा लो कितने महल तैयार होते हैं, बहुत महल तैयार हो गए मौलाना, ये महल वहां किराए पर जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका रेंट भाड़ा किराया वहां मिलेगा अपने को? बहले का बहन डॉक्टर साहब, वहां तो किराए का मसला ही नहीं है, वहां पर तो माशा अल्लाह जो भी जाएगा उसके पास खुद घर होगा वहां। तो कहे मल साहब इतने सारे महल क्या करेंगे वहां जन्नत में, एक सवाल है बे। आप लोगों ने रोजाना अगर 31 महल बनाने तैयार किए हमारी माएं बहनें बेटियों ने, तो जाहिर बात है 10 दिन में कितने बनेंगे, 1 महीने में कितने बनेंगे, 1 साल में कितने बनेंगे? तो जहन में आता है कि इतने सारे महल करेंगे क्या, यहाँ तो जो 2 कमरों में जिंदगी गुजर जाती है, 3 बेडरूम में जिंदगी गुजर जाती है, वहां क्या करेंगे इतने सारे महल? तो मैंने उनको जवाब दिया कि डॉक्टर साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप महल बनाते जाइए। अब सवाल कि हम क्या करेंगे इतने सारे महल, इंशाल्लाह हम जन्नत में जब जाएंगे वहां बैठकर मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह कि क्या करना है, तो वहां जाकर पता चलेगा, यहाँ तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जितने भी महल तुम बनाओ, अल्लाह की जन्नत इतनी बड़ी है कि तुम्हारे महल की वहां कोई अहमियत नहीं है, इतनी बड़ी अल्लाह की जन्नत है। इसलिए ये मेरा हदिया कबूल कर लेना, ये मैंने दिया है। 2 तस्वीरें भी दे दी है सहरा आपा और ताहिर आपा के लिए, वो पहुंच जाएगी और आप ऐसा अमल करना। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि नमाजों का अहतमाम करो।
قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنایا ہے, آپ کو بہن بنایا ہے, آپ کو بیوی بنایا ہے, آپ کو بیٹی بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا درجہ کچھ نہیں ہے, نہ آپ کا درجہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے, لیکن آپ اپنا درجہ سمجھو کہ ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں, کسی زمانے یہ کہا نا کہ دو بہنوں نے مل کر, دو آپاؤں نے مل کر یہ مدرسہ قائم کیا. میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے, تقریباً 20 سال ہو گئے. بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ. کسی زمانے میں مائیں اور بیویاں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ ان کی تہجد کی نماز کبھی ضائع نہیں جاتی ہوتی تھی, بس ضائع نہیں, سوال ہی نہیں. اور شوہر جب کاروبار کے لیے نکلتا تو دیندار خاتون, دیندار عورت دروازے پر آ کر ایک دعا دیتی اور یہ کہتی, یا رجل اتق اللہ فینا, اے ہمارے پیارے شوہر, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. تم روزی روٹی لینے جا رہے ہو, حلال لائیو, حرام مت لائیو, اس لیے کہ ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ دیندار عورتیں تھیں, ڈر ہوتا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر. بچوں کو جو تربیت کرتی تھی وہ بچوں کی تربیت میں دودھ پلاتے پلاتے بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی. صلاح الدین ایوبی کی والدہ اور محمود, صلاح الدین ایوبی کی والدہ اور نور الدین زنگی کی والدہ, انہوں نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے وہ یہی کی ہے کہ دودھ پلاتے پلاتے بھی جو ہے ذکر کرنا, قرآن شریف پڑھنا, دعائیں مانگنا, بچے پر دم کرنا. اس کی وجہ سے ان کے گھروں سے اللہ نے دین کا کام بہت لیا. اور ایک بات بہت کھل کر کہتا ہوں رائچور والوں کو, ایسے دیا ہے پورے رائچور میں ایسے دینداری قائم کرے ہماری مائیں بہنیں اور مرد اور عورتیں سب مل کر کہ ہمارے رائچور میں کوئی بے نمازی نہ رہے, ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ہم کوشش کریں. اس وقت میں الحمدللہ ایسے گاؤں ہیں ہمارے نظر میں جہاں 100% مرد اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں. شافی گاؤں ہے, یہ تو شافی مسلک نہیں ہوگا, یہاں تو آنا مسلک ہے, ان کی مسلک ہوگا, لیکن کوئی شافی مسلک ہے. لیکن ہمارا سبق تو سب جگہ جاتا ہے نا, سارے دنیا میں الحمدللہ. تو ہم ایسے گاؤں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کون سے گاؤں ہیں جہاں 100% نمازی ہے, 100%. تو آپ جو ہے رائچور کو ایسا بناؤ جنت کا ٹکڑا کہ 100% لوگ دینداری پر ہوں, کوئی بہن بھی بغیر برقعے کے نہ نکلے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کرو گی تو دنیا میں ایک اعلان ہوگا, اخبار میں ایک اعلان ہوگا, بی بی سی لندن سے ایک اعلان ہوگا, اور بڑے بڑے اخباروں میں خبریں آئیں گی کہ بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, بہترین کار چاہیے جرمن چلے جاؤ, اور بہترین کمپیوٹرز کے پارٹس چاہیے تو کیلیفورنیا چلے جاؤ, سین ہوزے, وہاں ایک جگہ ہے, وہاں کمپیوٹرز کے پارٹس بہت اچھے ملتے ہیں, میرا وہاں بھی بیان ہوا ہے, تب وہاں چلے جاؤ. اور اگر آپ کو بہترین کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ, بہترین کپڑا چاہیے جاپان چلے جاؤ, اور بہترین مسلمان مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو رائچور چلے جاؤ. یہ اعلان ہوگا ساری دنیا کے اندر کہ بہترین مرد عورتیں مسلمان دینداری پر قائم, یہ دیکھنے آپ رائچور چلے جاؤ, دیکھو وہاں کی عورتیں کتنے دیندار ہیں, کتنے سلیقہ والی ہیں, وہاں کے مرد کتنے دیندار ہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, حضور کی روحانی بیٹیاں, ہم حضور کے روحانی بھائی بھی ہیں, روحانی بیٹے بھی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, جتنی امت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم روشن کریں, نبی کی ایک ایک بات ہم آگے پہنچائیں. ہاں اس کا خیال رکھو, اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ملک الموت رائچور میں نہیں آتے, کہ رائچور والوں نے دوستی کر لی ہے ملک الموت سے کہ ذرا ایک سال کے لیے ہمارے پاس مت آنا, ایسا نہیں ہے. وہ تو جس کا وقت آئے گا دنیا سے جائے گا, لیکن یہ کہ جب دنیا سے جاؤ تو ایسے بن کر جاؤ کہ زمین آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. جس کمرے میں آپ رہتی ہو وہ کمرہ آپ کے جدائی پہ رو رہا ہو, جس چارپائی پر آپ سوتی ہو
वो चारपाई की जुदाई पर रो रही हो, ऐसा बन के जाओ। और ऐसे किस्से हुए कि दीनदार खातून का जनाजा निकला, रोने वाली की आवाज नहीं आ रही है, कौन रो रहा है, छत रो रही है, चारपाई रो रही है और दीवारें रो रही है, किचन रो रहा है, चादर रो रही है। बाहर जब निकले भैंस खड़ी हुई थी, गाय खड़ी हुई थी, बैल खड़ा हुआ था, उसके मालिक थे, वो रो रहे हैं। क्यों? के दीनदार थी। किताबों में लिखा है कि आसमान के वो दरवाजे जिन दरवाजों से तुम्हारे अमल ऊपर चढ़ते होंगे वो दरवाजे भी रोएंगे, क्योंकि हर एक इंसान का एक ही दरवाजा है अमल का। मेरा अमल चढ़ने का एक ही दरवाजा, आपका अमल चढ़ने का एक ही दरवाजा, जो मरा उसका वो दरवाजा बंद हो गया, अब वो दरवाजा खुलेगा नहीं, किसी और के लिए नहीं खुलेगा। दुनिया की तरह नहीं कि कब्र में दाखिल किया तो कुछ दूसरा आके दफन हो जाएगा, ये नहीं है। वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद, तो वो दरवाजा भी रोता है कि अरे इसकी नमाज पहुंचती थी, अरे इसकी अब तहज्जुद आती थी। इसलिए जब दीनदार मर्द और औरत का इंतकाल का वक्त करीब आता है तो उसको हदीये दिए जाते हैं। इन्नल लजीना कालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तकामू تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہ دیندار مرد اور عورت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، उन पर फरिश्ते आते हैं उनके इंतकाल के वक्त में। किताबों में लिखा है 500 फरिश्ते आते हैं दीनदार औरत के इंतकाल पर, अलग अलग किस्म के फूल लेकर, अलग अलग किस्म की खुशबुएं लेकर, अलग अलग किस्म के इतर लेकर 500 फरिश्ते, और आकर मीठी मीठी बात करते हैं, मीठी मीठी बात, क्या कैसी तबीयत है आपकी बहन, आपकी तबीयत कैसी है, ये देखो जन्नत देखो देखो, तो वो भी मानुस हो जाती है, वो मायूस नहीं होती, मानुस हो जाती है और अच्छी अच्छी बातें कर, फिर आखिर में मलकुल मौत आता है। अजी इसराइल अलैहिस्सलाम आखिर में जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो ब्लड शुगर चेक करने वाली डॉक्टर अलग होते हैं, जो पूरा बदन चेक करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, सुंघाने वाले बेहोश करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, और जो ऑपरेशन करने वाला जो होता है वो सबसे आखिर में आता है और आखिर में आकर वो ऑपरेशन करता है। इसी तरह कबर या मलकुल मौत सबसे आखिर में आते हैं और आखिर में आकर सलाम करते हैं, देखो सर, और वो कहते हैं कि बहन अल्लाह की बंदी मेरे पेशानी पर देख क्या लिखा है, मेरी पेशानी पर देख, तो मलकुल मौत की पेशानी के ऊपर कलमा लिखा हुआ होता है, वो पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहां जुबान से जुमला निकला और फौरन उसकी रूह कब्ज़ कर ली। ये इंतजाम है दीनदार औरत का, दीनदार मर्द का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तलहा इब्ने बरा, नौजवान थे, कुबा में रहते थे, बीमार हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए गए वहाँ देखने के लिए, पता चला कि बस ये तो अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, कुछ बचा नहीं है, थोड़ी देर में इसका इंतकाल हो जाएगा। तो हुजूर ने जब उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े दुआ मांगी उनके कब्र पर, ए अल्लाह हादा तलहा इब्न बरा, ये तलहा इब्न बरा है, ये तेरे पास पहुंचा है, ए अल्लाह मेरी दुआ ये है कि जब तेरे पास पहुंचे तो इसके हंसने से पहले तू हंसकर मुलाकात करना। ये दुआ अल्लाह ने कबूल की और ऐसा ही हुआ कि तलहा इब्न बरा के इंतकाल के बाद जब दरबार में पहुंचे तो अल्लाह हंसकर कह रहा था अहलन व सहलन या तलहा इब्न बरा, आ जा आ जा आ जा आ जा, ये मौत अल्लाह देगा, मरना तो ही, जब मरना है तो अल्लाह को खुश करके क्यों ना मरे। इसलिए नमाजों का अहतमाम, ये बार बार कहता हूँ, हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें
बच्चे छोटे होते हैं, मामूली बहानों की वजह से वो नमाज छोड़ देती है, मामूली बहानों की वजह से मामूली बुखार आया नमाज छोड़ दी। नहीं 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 नहीं, नमाजों का अहतमाम, अल्लाह के पड़ोसी बनो, अल्लाह के पड़ोसी बनो। नमाज जो पढ़ता है, नमाज पढ़ती है, वो अल्लाह के पड़ोसी है, ये जहन में रखो। अल्लाह और जन्नत का प्रॉपर्टी बनाओ, ये भी मेरी नसीहत याद रखना कि जन्नत के प्रॉपर्टी को भूलना मत, वहाँ काम आएगी। और आखिर में एक नसीहत करता हूँ, फिर मुझे दुआ भी करनी, एक हदिया में और दे देता हूँ आपको। मुझे तलब लग रही है कि हमारी बहनों में अल्हम्दुलिल्लाह तलब है। आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, कैंसर, डायबिटीज, गुर्दे की बीमारी, फिर ये कोविड, फिर दुनिया भर के कुछ ना कुछ, जो इलाज कराना है कराओ, लेकिन एक इलाज मैं बताता हूँ वो भी साथ में करो, वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ो, और पढ़कर पानी पर दम करके 24 घंटे में एक मर्तबा पढ़कर पानी पर दम कर दो, और वही पानी 24 घंटा इंशाल्लाह चलता रहेगा, और उसको पिलाते रहो बीमार को, बस 24 घंटे में एक मर्तबा, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से यही पानी जो है उसको पिलाना भी है, पीना भी है, और अपने अपने जो वो होता है क्या कहते हैं, खाना वगैरह पकाते हो, वो खाना वगैरह भी इसके अंदर तुम जब पका लो, इसके अंदर फिरती बना लो। घर वालों में कभी भी ना इत्तेफाकी नहीं होगी, और बीमारियां घरों से निकल जाएगी इंशाअल्लाह। और घरों के तालीम का एहतमाम करो, ये जहन में रखो। अमरीका अफ्रीका हमारे सफर होते हैं सब जगह, माशाअल्लाह वो औरतें घरों के तालीम कितनी पाबंद होती है, एक हम सोच भी नहीं सकते। आज जो है आपके रायचूर में हर घर में तालीम, फिर जो है अपने शोहरों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो मशवरे से, हमारे भाई लोग मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर आखिर बात ये भी कहता हूँ कि जुबैदा जैसी बनो, यह हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा, और ज़ैबुन निसा ये आलमगीर की बेटी थी, बहुत ऊँचा इल्म, ये मदरसा है ना अपना, तो मैंने सोचा कि मैं ज़ैबुन निसा का पूरा किस्सा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन दूसरी मरतबा अल्लाह जब मुझे लाएगा तो इंशाअल्लाह वो सुनाऊंगा ज़ैबुन निसा का किस्सा। बहुत ऊँचा इल्म कमारी रही जिंदगी में, उसने शादी नहीं की। फातिमा जैसे बनो, कौन से फातिमा, इमाम कासानी की बीवी, ये बड़ी औरतें गुजरी हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी की माँ जैसे बनो, बड़ी औरतें गुजरी हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को बदल दिया। पूरे मुल्क को बदलना दुआ के जरिए होता है, मेहनत के जरिए होता है, एक पर मेहनत करो, एक पर। यह मैंने व्हाट्सएप पर जब सबक शुरू किया, मदीना मुनव्वरा से शुरू किया, मेरे दिल में ये बात आई, अल्लाह ने डाली कि भाई इतना बड़ा मुसलमानों का तबका है, ओहो हो, हरम भरा हुआ है मुसलमानों से, इज्तिमात भरे हुए हैं, मशवरे भरे हुए हैं, बड़े बड़े जत्थे हैं, इन तक अल्लाह की बात कैसे पहुंचाई जाए। मेरे दिल में बात आई मदीना मुनव्वरा में कि मेरे बात कैसे पहुँचाई जाए इन लोगों तक। हर आदमी तीन चिल्ला जाता नहीं है, हर आदमी चिल्ले में जाता नहीं है, हर औरत जो है मशवरे में यानी बयानों में आती नहीं है। हवाई जहाज में काम करने वाली लड़कियां बयानों में कहाँ आती है बेचारी, बैंक में काम करने वाली लड़कियां बयानों में कहाँ आती है। मैं सोचता रहा, मैंने कहा मेरे प्यारे अल्लाह, ये तेरे प्यारे बंदे हैं, प्यारे नबी के उम्मती हैं, इन तक बात कैसे पहुंचे। तो अल्लाह ने ऐलान किया, शुरू शुरू व्हाट्सअप शुरू हुआ था, शुरू शुरू मेरे बच्चे ने कहा कि अब्बू जी अगर आपको जो है बड़ी अम्मी से बात करनी है आपको मैं फ्री करा दूं यहाँ से, मदीने वाली बेटी ने कहा मैं फ्री करा दूं। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, तो करा दे फ्री, पैसा न लगे, फ्री बात हो जाए, मैं फ्री बात करा दी इंडिया में। मैंने कहा तो बहुत अच्छा, फौरन अल्लाह ने दिल में डाला कि बात तो खैर होती रहेगी लेकिन दिल फैलाने के लिए ये आसान तरीका है। हर एक के पास मोबाइल होता है, हर एक के पास व्हाट्सअप होता है, तो हम जब दिल फैलाएं, तब से मैंने 2013 से वर्षों को सबक शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों तक अल्लाह ताला रोजाना बात को पहुंचाता है अल्लाह के फजल करम से। दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो अज़्म सफर पैदा कर, अल्लाह ताला रास्ते आसान करेगा तो अज़्म सफर पैदा कर। इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना, अब काम शुरू करो, किसी को हकीर मत समझो,
आप काम शुरू करो, बस एक को कलमा सिखा दो, एक को नमाज सिखा दो, एक को ये सिखा दो, वो आगे सिखाएगी। फिर अल्लाह ने दर्जा दिया, मदीना मुनव्वरा में जा रहा था सऊदी एयरलाइन से, फ्लाइट में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही वो हवाई जहाज में काम करने वाली लड़की है ना, उन्होंने कहा अरे आज के सबक वाले मौलाना आ गए, देख आज के सबक, आज का सबक वाले मौलाना आए, वो सबक सुनती थी वो सारी की सारी। उन्होंने मुझे बिठाया फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में और कहा कि जो आपका सबक रोजाना हम सुनती हैं, ये फ्लाइट में ही सुन लेती हैं, काम करने के बाद फारिग होती हैं तो आपका सबक सुनती हैं रोजाना, अभी हमारे सामने लाइव सबक दो, हम देखें कैसे सबक देते हो आप। तो मैंने फिर फ्लाइट में से सबक दिया, ये अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। तो करने वाले अल्लाह है, ये मैं आपको कहता हूँ। रायचूर बहुत अच्छी जगह, अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस इलाके में जाता हूँ तो फौरन पता चल जाता है कि यहाँ शैतान ज्यादा है या फरिश्ते ज्यादा है, यहाँ फरिश्ते ज्यादा है, खैर आप लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा गुबार है, गुबार गुबार, वो गुबार दूर करो, मेहनतें करो, अल्लाह ताला से मांगो, रोवो, एक आंसू आपका अल्लाह को मर्दों के आंसू ज्यादा पसंद है, और आप अल्लाह के यहाँ मर्दों से ज्यादा इज्जत आपकी है। और दलील है मेरे पास, हशर के मैदान में मियां बीवी दोनों जन्नत में जाएंगे, ऐलान हो गया, ऐलान हो गया कि मियां बीवी दोनों नेक हैं, दीनदार है, जन्नत में जाओ। अब पहले कौन जाएगा, ये सवाल पैदा होता है, मर्द जाएगा या औरत जाएगी? तो कहा औरत पहले जाएगी। जन्नत में उल्टा कानून है, दुनिया में तो ये है कि मर्द जी सुनो, मर्द हारी, जन्नत में उसका उल्टा कि मर्द को औरत की सुननी पड़ेगी। इसलिए अपने शौहरों के साथ जन्नत में जाओ, और पहले अल्लाह आपको भेजेगा, बाद में ये मर्द जाएंगे, पहले बीवी बाद में शौहर, पहले बीवी बाद में शौहर, पहले बीवी बाद में शौहर। इसलिए काम करो, और ये जो मैंने शानदार, जानदार, मालदार, दीनदार वजीफा दिया है, 313 मरतबा सूरह इखलास का वो पढ़ो भी, और मेरी तरफ से इजाजत है दूसरों को भी दावत दो। और मेरी किताब है मोमिन का हथियार, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहुंच भी गई होगी यहाँ, सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुंचाई है। सुबह शाम उसके पढ़ने का अहतमाम करो, बहुत कुछ मैंने उसमें लिख दिया है, बहुत कुछ। फिर उससे बड़ी किताब ले आया हूँ, नई मुंतखब 26 सूरतें, वो भी आ गई है 2022 मॉडल, वो भी देखो। फिर हमारे घर की तालीम तो सदाबहार है, घर की तालीम का तो सवाल ही नहीं है, रोजाना करो अहतमाम के साथ। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उस औरत के लिए जो मुझे अपनी दुआ में याद रखे, हमेशा मेरी दुआ होती है, जो माँ बहन मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगी, हमेशा मैं उसके लिए हवाई जहाजों में, उम्रे में, हज में, इज्तिमात में, सफरों में उसके लिए दुआ करता हूँ। और वो मेरे काम में पार्टनर है, मेरा कुरान के तर्जुमे में पार्टनर, मेरा सबक में पार्टनर, मेरी तफसीर में पार्टनर, मैंने जो किताबें लिखी उसमें पार्टनर, जहाँ जहाँ सफर करो खैर वजिद में आए उसमें पार्टनर, खाली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में 100% है, करना क्या है, मेरे लिए दुआ करो बस। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि बेटा यूनुस, अपनी गाड़ी जो चलती है लोगों की दुआओं की बरकत से चलती है, इसलिए लोगों से दुआएं कराया करो। ये अब्बा मुझे कहते थे कि लोगों से दुआएं कराया करो, औरतों से दुआएं कराया करो, पता नहीं किसकी दुआ आपको लग जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो मैं आपके लिए करूँ, आप मेरे लिए करें, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। अब जो है दुआ कर लो मुख्तसर इंशाल्लाह। अच्छी बात है। اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد شكرا شكرا لك الشكر شكرا شكرا اللهم اجعل اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء
وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اجعل فيما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام يا ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ رائے چور کی بیٹیوں کو قبول فرما رائے چور کی ماؤں کو قبول فرما اے اللہ ان جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان کو قبول فرما اے اللہ سائرہ آپا طاہرہ آپا جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے بہت قربانیاں دی اور اے اللہ قربانیوں کے بعد یہ وجود میں آیا اور آج یہ ترقی پر ہے اے اللہ ان دونوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور اے اللہ خوب نورانیت عطا فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو جمع فرما دے ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اے اللہ رائے چور کے ذرے ذرے کو قبول فرما رائے چور کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما ایک ایک گھر کو قبول فرما ان ماؤں بہنوں کو قبول فرما اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا اے اللہ امت کی شام کو صبح سے بدل دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہ رائے چور کے اس مدرسے میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے ہمارے سبقوں کو قبول فرما ریاض القرآن کو قبول فرما اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے لوگ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اے مولا کریم جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما جب دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آ رہے ہو ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا ریل کار کا نہیں ہوگا محبت کے دعویٰ کرنے والے
कुछ मुठ्ठियां मिट्टियां हड्डियां भी पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। अल्लाह तू सब में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। कब्र में हमारा बेहतरीन साथी कुरान हो रहा हो तो उसके गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। तेरे दिन के खातिर जहाँ जहाँ जाने में खैर हो आफियत के साथ तो हमें वहाँ ले जा, और जहाँ जाने में शर हो आफियत से तो हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इन राजर वालों को कबूल फरमा, इनके जायज मुरादों को पूरी फरमा, इनके दिल में जो जायज मुरादे हों आफियत से उसको पूरी फरमा कर, उसमें खैर के शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो खैरें हमारे लिए मुकद्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे दीन के सूरज को उरूज नसीब फरमा, हमारे दीन के सूरज को उरूज नसीब फरमा। ए अल्लाह भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस भटकी हुई उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे, फिर अमाल वाला बना दे, फिर अखलाक वाला बना दे। या रायचूर के कब्रिस्तान में जितने आराम कर रहे हैं उन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न लौटा, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे इल्म मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। ऐ खूबसूरत पर्दे वाले, ऐ खूबसूरत चादर वाले, हमारे आयबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ा अल अख़यार में शामिल फरमा दे, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिख के रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शकी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी तेरा काम है, मिटाना भी तेरा काम है, लोहा कलम भी तेरे पास है। या अल्लाह सईदों में और सईदाओं में हमारा नाम लिख ले। हम जैसा गुनहगार न तेरे दरबार में कोई आया है न आएगा, हम जैसा गुनहगार तेरे आसमानों ने नहीं देखा, तेरे फरिश्तों ने नहीं देखा, हिल और हरम ने नहीं देखा, तेरी हवाओं ने नहीं देखा, तेरी जमीनों ने नहीं देखा, और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोजी देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें माल मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिद में आने की तौफीक देता रहा। ए अल्लाह अब तक तूने हमारे आयबों पर पर्दा डाला है, मरते वक्त भी पर्दा डालियो, कब्र में भी पर्दा डालियो, हशर के मैदान में भी पर्दा डालियो, और इस पर्दे के साथ हम सबको बड़ी बड़ी जन्नत में दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह आखिर में एक दुआ करता हूँ हम सब के लिए, और जहाँ हमारा ये सबक सुना जाए, ये दुआ सुनी जाए, और जहाँ जहाँ दुनिया में आमीन कही जाए, हम सब के लिए उन सब के लिए दोनों जहाँ की जन्नतों का फैसला फरमा दे, दोनों जहाँ पर जन्नतों का फैसला फरमा दे, दुनिया में भी जन्नत दे दे, मरने के बाद भी जन्नत दे दे। نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب دعاءنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين